हेलो लवली पीपल, स्कैरी पम्पकिन अब 2 मिलियन की फैमिली हो गया है। हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने की खुशी में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सरप्राइज। तो दोस्तों, आपका इंतजार हुआ खत्म। मोस्ट डिमांडेड, मोस्ट वॉच एंड मोस्ट अवेटेड पोस्टमार्टम सीजन 2 जल्द ही आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ स्कैरी पम्पकिन पर। तो फटाफट पोस्टमार्टम सीजन 1 देख लो। और हाँ दोस्तों, फिर से एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना प्यार देने के लिए। ऐसे ही हमें प्यार और सपोर्ट करते रहना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्कैरी पम्पकिन। सच हमारी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक होता है। जो दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि वो सच होता है, और जो सच होता है जरूरी नहीं वो दिखाई भी दे। बहुत से लोगों को लगता है कि बहुत पिशाच शैतान ज्यादातर शमशान घाट पर ही होते हैं, और वे उसी बात को सच मानते हैं। पर कभी अपने चारों ओर नजरें घुमाकर गौर से देखने की जहमत उठाना, समझ में नहीं आएगा कि कौन इंसान है और कौन शैतान। यहाँ हर तरफ ही आत्माएं हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी तो कुछ बेहद बुरी डरावनी। हमारी कल्पना से भी ज्यादा खौफनाक। उसको देखना मतलब अपनी मौत को देखने के बराबर है। मैंने देखी है, देखना चाहोगे? रात के लगभग 8 बज चुके होंगे। दौड़ते हुए कदमों से पोस्टमार्टम करने वाले मारुति राव पोस्टमार्टम कमरे की ओर चलने लगे। बहुत सालों का पोस्टमार्टम का अनुभव ही उनकी पहचान थी। कभी कभी कुछ शव ऐसे होते थे जो पुलिस भी नहीं देख पाती थी। ऐसे शवों का पोस्टमार्टम मारुति राव बिना हिचकिचाहट करते थे। बारिश के पानी से भीग के फूला हुआ शव हो या कई दिनों का सड़ा हुआ शव हो, मारुति राव बिना डरे उन शवों का पोस्टमार्टम करते थे। उनके इस साहस की वजह से उनके सारे सहकर्मचारी उनकी बहुत तारीफ करते थे। इसी खासियत की वजह से अस्पताल के सीनियर डॉक्टर सावंत के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। चलते चलते मारुति राव के दिमाग में कल रात की सावंत साहब के साथ की हुई बात घूम रही थी। कल रात लगभग 11 बजे थे। मारुति राव अपने सोफे पर बैठे हुए थे, अचानक फोन की घंटी बजी। घड़ी की ओर देखते हुए मारुति राव ने फोन उठाया। हेलो जी, कहिए सावंत साहब। मारुति एक लड़का है, उसे काम से निकालना है। मेरी उसके साथ कुछ खास बनती नहीं, उसने मेरे साथ कई बार बदतमीजी से बात की है, इसलिए आज तुम्हारे साथ उसकी ड्यूटी लगाई है। तब नाम क्या है उसका? दीपक नाम है उसका। अब ये दीपक बुझ ही गया समझो साहब। पोस्टमार्टम रूम में काम करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मारुति, एक बात पूछूं? संकोच भरी आवाज में सावंत ने पूछा। सावंत साहब, संकोच किस बात का है, पूछिए जो पूछना है। मारुति, तुम इतने सालों से पोस्टमार्टम कर रहे हो, पर क्या तुम्हें भूत प्रेत आत्मा इन बातों पर विश्वास है? भूत? साहब ये सब मनगढ़ंत कहानियां है, मुझे ऐसे मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं है। बहुत ही आत्मविश्वास के साथ मारुति राव ने जवाब दिया। और बताइए साहब, आप वापस कब लौट रहे हो? अभी भी मुंबई में ही हूँ, कल तक पहुँचूंगा। मुंबई से करीब 8 घंटों का सफर है। और एक बात मारुति, वो लड़का यानी दीपक की एक खासियत है। खासियत? कौन सी खासियत? अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, वैसे भी कल आने वाला हूँ तो मिल के बात करते हैं। कल की वो बात याद करके मारुति राव मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। आज फिर सावन साहब ने एक जिम्मेदारी मुझे सौंप दी। जिन लोगों को काम से निकालना होता है उन लोगों की ड्यूटी सावन साहब मेरे साथ पोस्टमार्टम कमरे में लगाते हैं, यानी कि वो खुद काम छोड़ देते हैं, उन्हें निकालने की नौबत ही नहीं आती है। चलते चलते मारुति राव पोस्टमार्टम कमरे के पास पहुँच गए।
वहां 24-25 साल का एक लड़का खड़ा था। सामने टेबल पर सफेद कपड़े के नीचे एक शव भी था। नाम क्या है तुम्हारा? सर दीपक। दीपक, पोस्टमार्टम करते हुए भूज मत जाना दीपक। मारुति राव ने अपनी पोशाक पहनी और दीपक से कहा, डर लग रहा हो तो अभी बताओ, यहाँ कई लोग चक्कर खाकर गिर चुके हैं। मारुति राव ने शव से सफेद कपड़ा हटाते हुए कहा, लगभग 25 साल उम्र होगी इसकी, तीर पूरी तरह कुचला गया है, शायद किसी बड़े पत्थर से खून किया है। शव की अवस्था देख दीपक ने आंखें बंद कर ली। इतने में ही डर गए? सिर्फ सिर तो फटा है, पोस्टमार्टम में तो शरीर के सारे अंग निकालने पड़ते हैं, तब क्या करोगे? मारुति राव की बात दीपक को बुरी लगी। उसने हिम्मत करते हुए शव की ओर देखा और कहा, इसका खून नहीं हुआ है, काम पे जाते वक्त गाड़ी फिसल गई होगी और तभी किसी भारी गाड़ी के नीचे उसका सर कुचल गया होगा, इसलिए चेहरा भी पहचान नहीं सकते। अरे वाह, बहुत ही हिम्मत वाले हो, देखते ही निष्कर्ष निकालने लगे। बिना कुछ कहे दीपक शांति से खड़ा होकर देखता रहा। मारुति राव ने टेबल के पास रखे सर्जिकल ब्लेड को उठाया और दीपक की ओर देखते हुए कहा, इतना डरे हुए क्यों लग रहे हो? पोस्टमार्टम तो इसका हो रहा है और डर तुम्हें क्यों हो रहा है? तभी दीपक ने उस शव की तरफ देखते हुए गंभीरता से कहा, मौत के बाद इसके शरीर से बाहर पड़ी आत्मा अपने शरीर का पोस्टमार्टम होते हुए देखेगी तो उसे कैसा लगेगा? दीपक की ये बात सुनकर मारुति राव ने हंसते हुए कहा, आत्मा, भूत प्रेत आत्मा, ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है। दीपक चुपचाप खड़ा रहा और गंभीरता से बोला, मनगढ़ंत कहानियां, माफ कीजिए सर, पर जब तक हम देखते नहीं हम विश्वास नहीं करते, और हम विश्वास करें या ना करें इन्हें फर्क नहीं पड़ता। दीपक का अस्वस्थ चेहरा देखकर मारुति राव ने आत्मविश्वास से कहा, अपना ये पोस्टमार्टम का काम देखकर खुद भूत प्रेत आत्मा हमसे डरते हैं। हो क्यों डरे भला, उन्हें किस बात का डर? जख्म दर्द तो उन्हें होता ही नहीं है, उसके लिए उनके पास शरीर जो नहीं होता, वो कहीं भी जा सकते हैं, आपके सामने भी हो सकते हैं। दीपक की इस बात से मारुति राव को गुस्सा आ गया। उन्होंने गुस्से से दीपक को देखते हुए सर्जिकल ब्लेड उठाया और टेबल पर पड़े शव के गले में भोंक। ये सब नजारा देखकर दीपक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके चेहरे का रंग ही उड़ गया। दीपक के चेहरे का उड़ा रंग देखकर मारुति राव ने उस शव के शरीर के अंदर हाथ डाला और शरीर के कुछ अंग बाहर निकाले और कहा, इसके फेफड़े की हालत देखी, दारू सिगरेट का परिणाम है। अपनी तिरछी नजर से दीपक की जेब से ऊपर निकली सिगरेट के पैकेट को देखते हुए मारुति राव ने कहा, तुम्हारे फेफड़ों का भी यही हाल होगा, लगे हाथ उनकी भी जांच करें क्या? मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, पर दीपक बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ा रहा। मारुति राव ने थोड़ा थोड़ा करते हुए पूरा शरीर चीर दिया, आवश्यक अंगों के सैंपल ले लिए। एक हथौड़े से उन्होंने खोपड़ी को अलग किया जैसे कि कोई ढक्कन खोला हो। दीपक भावना शून्य चेहरे से उस शव की ओर देखता रहा। उसके चेहरे को देखते हुए मारुति राव मन में कहने लगे, लड़का बहुत निडर है। चीर फाड़ किए हुए शव को वापस सिल दिया और कहा, दूसरी शव का पोस्टमार्टम भी मैं ही करूंगा, आज तुम बस देखने का काम करो। पोस्टमार्टम किए हुए शव को ढक दिया। वहीं उनकी नजर बाजू में सफेद कपड़े से ढके हुए दूसरे शव पर पड़ी। थोड़ी देर पहले ही वो शव वहां रखा था। शव के बाजू में पैड पर शव का नाम लिखा था। नाम पढ़कर मारुति राव की आंखें फटी की फटी रह गईं और दीपक की ओर डर भरी आंखों से देखने लगे। दीपक निडर जैसा खड़ा था। क्या सचमुच दीपक निडर था या वो निडर होने का नाटक कर रहा था? मारुति राव कुछ समझ नहीं पा रहे थे। मारुति राव ने टेबल पर रखे पैड को उठाया और उस पर लिखी जानकारी पढ़ ली और शव पर रखे सफेद कपड़े को हटाया और उनके हाथ से पैड फिसल कर नीचे गिर गया। इतनी देर आत्मविश्वास दिखाने वाले मारुति राव के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो झट से टेबल से दूर हो गए। उनके चेहरे पर अजीब सा डर था। दीपक उनकी ये हालत देखते हुए उनके पास गए और कहा, डर गए? मारुति राव को खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। डर से भरी हुई उनकी आंखें उस शव को देख रही थी।
दीपक ने शांति से उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भूत प्रेत आत्मा इन सब की एक अलग दुनिया होती है, पर आप जैसे कुछ लोग इस अदृश्य शक्ति को नकारते हैं। आपके नकारने से उनका अस्तित्व और ये सत्य नहीं बदलता। मारुति राव एकदम चुपचाप एक मानसिक सदमे में थे। कहीं ये सपना तो नहीं, नहीं ये तो सच है। उनकी आंखें फटी की फटी थीं, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। अभी अभी पोस्टमार्टम किए हुए शव को वो पीछे मुड़कर देखने लगे। सब कुछ मारुति राव के कल्पना शक्ति के परे था। मारुति राव की यह हालत देखकर दीपक के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उनके रंग उड़े हुए चेहरे को देखते हुए दीपक ने कहा, आपका चेहरा बता रहा है ऐसा दृश्य आपने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। तभी दरवाजा खोलते हुए सीनियर डॉक्टर सावंत और उनके सहकारी शिंदे अंदर आ गए और टेबल पर रखे शव को देखते हुए कहा, ये अचानक कैसे हुआ? रात को नींद में दिल का दौरा पड़ा, रात को जो सोए तो उठे ही नहीं। ऐसे अचानक मौत हुए इंसान की आत्मा ये बात स्वीकारती नहीं है कि शरीर अब खत्म हो गया है। वो आत्मा हर रोज की तरह सारे काम करती है। दीपक की इस बात ने दोनों का ध्यान खींच लिया। अरे हाँ शिंदे, ये दीपक है, इसने आज से ही ड्यूटी ज्वाइन की है। और हाँ, इसकी एक खासियत भी है, ये प्रेत आत्माओं के साथ बातें कर सकता है। तभी शिंदे ने हंसते हुए कहा, यानी अपने मारुति की आत्मा उसके शव के साथ काम करने आई होगी। इस लड़के को ही पूछ लो, वैसे तो मेरा भूत प्रेत आत्मा इन सब मनगढ़ंत कहानियों पर विश्वास नहीं। टेबल पर रखे दोनों शव का पोस्टमार्टम कर दो शिंदे। तभी दीपक ने टेबल पर रखे मारुति राव के शव का चेहरा ढक दिया और सावंत साहब के पीछे आधी खुली खिड़की की ओर देखते हुए कहा, मारुति राव भी इन मनगढ़ंत कहानियों पर कहां विश्वास करते थे। दीपक की ये बात सुनकर सावंत साहब सुन्न हो गए। उन्होंने उसी खुली खिड़की की ओर देखा जहां दीपक देख रहा था। तभी एक ठंडी हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया। पोस्टमार्टम टेबल पर रखी एक लाश का पोस्टमार्टम करते करते दीपक ने कहा, सच हमेशा ही हमारी कल्पना से परे होता है। जो दिखाई दे रहा है जरूरी नहीं कि वह सच होता है, और जो सच होता है जरूरी नहीं कि वह दिखाई भी दे। पर ये बातें तब समझ में आती है जब मौत हमारा घमंड तोड़ देती है। उसी पोस्टमार्टम टेबल की दूसरी तरफ खड़े आदमी ने कहा, जैसे कि हवा की। टेबल पर रखी लाश के सर पर हथौड़े से मारते हुए दीपक ने लाश की खोपड़ी खोल दी और बोला, बिल्कुल सही, हवा हमें दिखाई नहीं देती, मगर इसका मतलब यह नहीं कि उसकी मौजूदगी नहीं है। और दूसरा है इंद्रधनुष, जिसे हम देख तो सकते हैं मगर ना कभी छू सकते हैं ना पा सकते हैं। कहते हुए दीपक ने टेबल पर रखी लाश का पूरा शरीर सर्जिकल ब्लेड से खोल दिया। तभी पीछे खड़े डॉक्टर सिंधे ने उसे कहा, अपनी अपनी राय होती है, क्योंकि मैं उसी चीज पर यकीन करता हूँ जिसे मैं अपनी आंखों से देख सकता हूँ या अपने कानों से सुन सकता हूँ। डॉक्टर शिंदे की तरफ देखते हुए दीपक चौंक कर बोला, अरे सर आप कब आ गए? डॉक्टर शिंदे हैरानी से दीपक की ओर देखते हुए सोच में पड़ गए, अगर इसने मुझे देखा ही नहीं था तो ये बातें किसके साथ कर रहा था? हम दोनों के अलावा तो यहाँ कोई नहीं है। दीपक ने हल्के से मुस्कुराते हुए लाश का चेहरा कपड़े से कस के बांध दिया। लाश उसी की थी जिससे अभी दीपक बात कर रहा था, और टेबल की दूसरी तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। डॉक्टर शिंदे हैरानी भरी नजरों से दीपक की ओर देखते हुए मन में बोले, सावंत साहब को बताना ही होगा। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम होने के कारण दिन भर आसमान काले घने बरसाती बादलों से घिरा हुआ था। पिछले 3-4 दिन से बारिश इस तरह से कहर बरसा रही थी जैसे कि आसमान फट गया हो। शाम के 4 बज चुके थे। आज पूरे दिन एक भी पोस्टमार्टम का केस न आने की वजह से दीपक अपनी कैबिन में कुर्सी पर बैठा कल की गई लाशों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट और तस्वीरों की जांच कर रहा था कि तभी मोबाइल पर किसी का कॉल आया। जी बोलिए साहब। दीपक, पोस्टमार्टम का केस आया है, एक लड़की जो पागल हो गई थी, पोस्टमार्टम करने के बाद मुझे फोन करना। सावंत साहब की बात सुनकर दीपक ने पूछा, मौत की वजह शॉक ट्रीटमेंट? अरे नहीं, पर तुम्हें पोस्टमार्टम में पता चली जाएगा। और हाँ दीपक, शहर की सारी एम्बुलेंस कोरोना मरीजों के लिए लगाई गई है, इसलिए उस पागलखाने के नजदीक एक पुराना सरकारी अस्पताल है,
कुछ देर में मेंटल हॉस्पिटल के लोग लाश को अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पहुंचा देंगे। ठीक है? ठीक है सर, पर उस अस्पताल में पोस्टमार्टम की सुविधा है ना? अरे दीपक, शहर का सबसे पुराना पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट वही है, इसलिए फिक्र मत करो, काम खत्म होते ही मुझे फोन करना। रेनकोट पहनकर दीपक अपनी बाइक से पोस्टमार्टम करने के लिए निकल पड़ा। अभी भी काफी तेज बारिश हो रही थी, लॉकडाउन की वजह से रास्ता पूरी तरह से सुनसान था, कोई आम इंसान सड़क पर दिखाई नहीं दे रहा था। रास्ते पर खड़े पुलिसकर्मी और सायरन बजाते तेजी से आने जाने वाली एम्बुलेंस, बस यही नजर आ रहा था। कुछ ही देर में सावन साहब के बताए पते पर दीपक पहुंचा। अस्पताल की इमारत काफी पुरानी थी, पर कुछ मरीजों का अब भी इलाज किया जा रहा था। ऑफिशियल काम खत्म कर अपनी फाइल को रेनकोट में छिपाकर बारिश के पानी से बचाता हुआ वो अस्पताल के पीछे स्थित पोस्टमार्टम कमरे की तरफ अकेले ही चलने लगा। बारिश का मौसम और कोरोना लॉकडाउन की वजह से हॉस्पिटल के पीछे वाले उस पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में इंसान ना के बराबर ही थे। कच्ची सड़क के आसपास कमर तक उगी हरी घास, कुछ कुछ झाड़ियों के बीच जर्जर हुआ वो रंग उड़ा कमरा बाहर से ही काफी डरावना लग रहा था। शाम के 4:30 बजने के बावजूद भी काले घने बादलों से घिरा आसमान रात के अंधेरे जैसा महसूस हो रहा था। पोस्टमार्टम कमरे के बाहर रुकते हुए दीपक ने दाईं तरफ खड़े बरगद की पेड़ को कुछ सेकंड देखता रहा। बाहर की तरफ खुलने वाला दरवाजा खोला, अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया और अपना रेनकोट वहीं पर लटका दिया। दीवार से सटी लकड़ी की अलमारी का दरवाजा खोलकर पोस्टमार्टम के कपड़े चढ़ाए, उसने पोस्टमार्टम टेबल की ओर देखा। कुछ ही कदमों पर सफेद कपड़े से ढकी एक लाश टेबल के ऊपर रखी थी। अलमारी के पास का बटन शुरू करते ही पोस्टमार्टम टेबल के ऊपर लटक रही ट्यूबलाइट ऑन हो गई। पुराने जर्जर हुए उस कमरे के भीतर नजर घुमाते हुए दीपक उस लाश के नजदीक गया और टेबल के ऊपर रखे रिपोर्ट उठाकर देखा। नाम सिमरन, उम्र 24 साल, पता। सारी जानकारी पढ़कर उसने लाश के चेहरे पर ढका हुआ सफेद कपड़ा हटाया। लाश एक युवा लड़की की थी, चेहरे पर अजीब सी थकान दिखाई दे रही थी। खुली आंखों के नीचे बने डार्क सर्कल से पता चल रहा था कि वो काफी परेशान थी। नींद न आना या ऐसे ही किसी बात की वजह से उसने लाश के ऊपर से कपड़ा हटा दिया। लड़की के शरीर पर मेंटल हॉस्पिटल के मरीजों के कपड़े थे, शर्ट और पैंट। इतनी जवान और खूबसूरत लड़की पागल कैसे हो सकती है? कुछ तो वजह होगी। गौर से उसके चेहरे की तरफ देखने लगा, जैसे वो लाश से ही उसके पागल होने की वजह पूछ रहा हो। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे कमरे के भीतर फैला हुआ था। दीपक को पता था कि उसकी आत्मा यहीं कहीं है। वो जानना चाहता था कि उसकी पागल होने की वजह क्या थी। तभी उस लड़की के बालों से ढके कान के पास कुछ हलचल हुई। कान के पास वाले काले बाल थोड़े हिलते हुए नजर आने लगे। दिल थाम कर दीपक गौर से उस जगह को देखने लगा। सन्नाटा, बहुत ही डरावना जानलेवा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। इतना सन्नाटा था कि दीपक को अपने दिल की धड़कन भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। दीपक को थोड़ा अजीब लग रहा था। धीरे से अपना हाथ उस लड़की के कान के पास ले जाते हुए बालों को छुआई था कि तभी एक मधुमक्खी जैसा कीड़ा उस लड़की के बालों से निकलकर एकदम से दीपक के चेहरे पर झपटा। मधुमक्खी की गुनगुनाती तेज आवाज के साथ काफी देर से फैला हुआ अजीब सा सन्नाटा एक झटके में खत्म हो गया। उस कीड़े को हटाने के लिए दीपक जद्दोजहद करने लगा, पर वो कुछ देर तक धूं धूं आवाज करते हुए दीपक को परेशान करता है और कुछ ही सेकंड में वो कीड़ा उसकी आंखों से उजल हो गया। दोबारा एक गहरा सन्नाटा उस कमरे के भीतर कायम हो गया। दीपक हैरानी भरी नजरों से दोबारा पोस्टमार्टम टेबल पर रखी लाश की ओर देखा। कुछ तो अजीब है, कहते हुए उस लाश के बाल धीरे से कान के ऊपर से हटाए कि उसे कहीं से वही धो धो इस तरह की हल्की सी आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, नजर तो कुछ नहीं आ रहा था, पर धीरे धीरे तेज होती हुआ आवाज कानों में गूंजने लगी।
इतनी तेज आवाज कि दोनों हाथों से अपने कान बंद करते हुए चारों ओर देखा, पर कुछ भी नहीं था। और एकदम से आवाज आनी बंद हो गई। नजरें घुमाते हुए धीरे से उसने अपने कानों पर से हाथ हटाए। सन्नाटा, एक जानलेवा सन्नाटा पूरे कमरे के भीतर फैला हुआ था। दीपक अपने डर पर काबू रखते हुए दोबारा टेबल पर रखी लाश के नजदीक गया। लग रहा था वो लड़की अभी भी जीवित है और अभी उठकर बात करने लगेगी। तभी उसकी नजर शव के नाक पर गई। उसके नाक से वही कीड़ा रेंगते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहा। दीपक ने पोस्टमार्टम के लिए रखा चिमटा उठाया, धीरे से कीड़े को पकड़ते बाहर निकाल कर देखा। जैसे मधुमक्खी की तरह कोई जीव लग रहा था। और तभी एक और कीड़ा उसके नाक से बाहर रेंगता हुआ निकलने की कोशिश करने लगा। गहरे सन्नाटे में उस कीड़े की धूं धूं ऐसी हल्की आवाज उसकी कानों में लगातार गूंजने लगी। हैरान होकर दीपक ने अपने एक हाथ से उस लड़की का मुंह खोला और बड़ी तेजी से उसके मुंह से मधुमक्खी की तरह दिखने वाले हजारों कीड़ों का एक बड़ा सा जत्था बाहर निकलकर कमरे में फैलने लगा। धूं 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 इस तरह की आवाज करते हुए वे कीड़े दीपक के इर्द गिर्द मंडराने लगे। उस घिनौनी डरावनी आवाज से दीपक का सिर मानो फट रहा था। दोनों हाथों से अपने सर के ऊपर मंडराने वाली मक्खियों को हटाते हुए दीपक ने पोस्टमार्टम कमरे का दरवाजा खोला और सन्न रह गया, क्योंकि वहां पर एक भी कीड़ा या मधुमक्खी नहीं थी। सब कुछ बिल्कुल शांत था। अब उस शव के पास जाने में भी उसे डर लग रहा था। पोस्टमार्टम टेबल पर रखी उस लाश की तरफ चलते हुए दीपक धीमी आवाज में बोला, कौन हो तुम और चाहती क्या हो? दीपक अब समझ चुका था कि यह किसी शैतानी आत्मा का काम है और वो इसी कमरे में कहीं पर मौजूद है। अपनी आंख बंद करके वो थोड़ी देर शांत खड़ा रहा और मन ही मन बोलने लगा, मैं जानता हूं तुम यहीं कहीं पर रहो, पर ये नहीं जानता कि तुम चाहती क्या हो और मैं ये जान कर ही रहूंगा। दीपक दिल थाम कर हर बारीक से बारीक आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। उसके बदन को छूकर जाने वाली हवा की झोंकी को महसूस करने की कोशिश करने लगा। आवाज आ रही थी मगर हल्की सी बारिश की आवाज, पेड़ों से पत्तों के ऊपर से टपकती बूंदों की आवाज, बाकी बिल्कुल सन्नाटा पसरा था। तभी दीपक के कानों पर एक अजीब सी आवाज पड़ी। वो आवाज कमरे के भीतर फैले उस खौफनाक सन्नाटे में बहुत ही डरावनी लग रही थी। जिस तरह से कोई पेड़ की सूखी लकड़ी अपने हाथ से तोड़ रहा हो वैसी आवाज, साथ ही दर्द से कराने वाली लड़की की आवाज। दीपक ने झट से अपनी आंखें खोली। उसने नीचे पोस्टमार्टम टेबल पर देखा, वो सन्न रह गया, क्योंकि अब लड़की की लाश पोस्टमार्टम टेबल पर नहीं थी। ये क्या हो रहा है? गहरे सन्नाटे में डरा सहमा दीपक एक एक कदम आगे बढ़ने लगा। उसकी नजरें कमरे में चारों ओर उस लाश को ढूंढ रही थी। लाइट बंद चालू होने के कारण कभी उजाला तो कभी 2 सेकंड अंधेरा उस कमरे में फैल रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। तभी पोस्टमार्टम टेबल की दूसरी तरफ जमीन पर उस लड़की का सिर का हिस्सा दिखाई दिया। हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे दीपक आगे कदम बढ़ाने लगा, पर उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। और जमीन पर पड़े उस लड़की का पूरा शरीर दिखाई दिया। उसके हाथ पैर किसी ने पूरी तरह से मरोड़ दिए थे। शरीर का हिस्सा बाईं तरफ और गर्दन दाईं तरफ पूरी तरीके से घूमी हुई थी। वो डरावना दृश्य देखकर दीपक सिर से पांव तक सिहर गया। ये कोई साधारण आत्मा नहीं है, शायद ये लड़की पागल है बल्कि किसी शैतान के कब्जे में थी। मरने के बाद लड़की की आत्मा शरीर से मुक्त हो गई, पर उस शैतान ने अभी भी इसके शरीर को जकड़ रखा है। दीपक ने हिम्मत करके उस लड़की के शरीर को अपने दोनों हाथों से उठाया और दोबारे से उस टेबल पर रख दिया। पोस्टमार्टम टेबल के ऊपर लगातार बंद शुरू होने वाली ट्यूब पर जोर से दे हाथ मारा और ट्यूब चालू हो गई। सर्जिकल ब्लेड उठाते हुए दीपक ने उस लड़की के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे पता है तुमने इस लड़की के शरीर पर अपना कब्जा कर रखा है, पर तुम्हारा पोस्टमार्टम हो जाए ये तुम बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि तुम्हें फिर एक नई लड़की का शरीर ढूंढना होगा। पर मैं शरीर के साथ तुम्हारी आत्मा को भी मुक्त कर दूंगा। उसके चेहरे की तरफ देखते हुए सर्जिकल ब्लेड को 2-3 बार गोल घुमाया
कुछ ही देर में दीपक ने उस लड़की की लाश को ब्लेड से पूरा शरीर खोल दिया, पर उसकी हाथों के भीतर कुछ रेंगने वाले कीड़े अभी भी जिंदा थे। यह देखकर एक पल के लिए दीपक भी सहम गया। लड़की के चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, अगर ये बात सावन साहब को बताऊंगा तो वे यकीन नहीं करेंगे। तुम्हारी मौत आज नहीं बल्कि एक महीने पहले हो चुकी थी, जब इस आत्मा ने तुम्हारे शरीर को अपना घर बना लिया था। कुछ ही देर में पोस्टमार्टम पूरा कर दिया, पूरा शरीर सफेद कपड़े में लपेट दिया और चेहरा ढकने से पहले दोबारा उस लाश की आंखों में देखते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना, इस शरीर के साथ साथ तुम्हारी शैतानी आत्मा को भी खत्म कर दूंगा। चलो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और उस लाश का चेहरा ढकते हुए अच्छे से बांध दिया। काम खत्म होते ही मुझे फोन करना, पहले सावंत साहब को इन्फॉर्म करता हूँ। कॉल करने के लिए उसने मोबाइल फोन पॉकेट से बाहर निकाला ही था कि तभी दोबारा लाइट बंद शुरू होने लगी। अंधेरे के साथ उजाला लुका छुपी खेल रहा था। दीपक लाइट के बटन की ओर चलने लगा। सावंत साहब को फोन लगाया और मोबाइल कान से लगाकर बटन को बंद शुरू करके देखने लगा। लाइट अभी भी बंद शुरू हो रही थी। 3-4 रिंग के बाद सावंत साहब ने फोन उठाया। अरे दीपक, कहाँ हो? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ। माफ कीजिए सर, मोबाइल साइलेंट मोड पर था। ठीक है, कोई बात नहीं। दीपक, मुझे डॉक्टर शिंदे ने बताया कि तुम सच में आत्माओं से बातें करते हो। दीपक ने हल्का मुस्कुराकर कहा, हाँ शायद। सावंत साहब आगे कुछ बोलते कि तभी फोन कट हो गया। दीपक ने उन्हें कॉल करने की कोशिश की, पर शायद कवरेज नहीं था। तभी कमरे की भीतर फैले खौफनाक सन्नाटे से दोबारा वही डरावनी आवाज आने लगी। आवाज सूखी लकड़ियों की तरह, इंसानी जिस्म की हड्डियां तोड़ने की आवाज। तभी दीपक के पीछे अंधेरे में उस पोस्टमार्टम टेबल पर सफेद कपड़े में लिपटी लाश में कुछ हलचल होने लगी। हैरानी भरी नजरों से उसने पीछे मुड़कर देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पोस्टमार्टम टेबल पर रखी उस लाश के भीतर कुछ हलचल हो रही थी। उस लाश के ऊपर लपेटे सफेद कपड़े को चीरते हुए दोनों हाथ बाहर निकल रहे थे और वो सन्नाटे में किसी जानवर के गुर्राने की आवाज गूंजने लगी। दीपक अपने डर पर काबू रखते हुए सामने हो रही वो हलचल को गौर से देखने लगा। तभी लाइट शुरू हो गई और दीपक ने देखा कि सफेद कपड़े से बाहर निकले सड़े हाथों के ऊपर का मांस हड्डियों के सहारे लटक रहा था। मरोड़ते हुए वे दोनों हाथ अब लाश के चेहरे पर बंधे कपड़े पर घूमने लगे। वो नजारा दीपक के लिए दिल दहला देने वाला था। उसकी नजरें लाश पर ही टिकी थी, पर वो बिना आवाज किए एक एक कदम पीछे चलने लगा और फिर टेबल पर रखी लाश के सड़े गले हाथ चेहरे के ऊपर बंधे कपड़े को फाड़ने लगे। तभी टेबल के ऊपर की ट्यूब फट गई और पूरे कमरे में धुंधला सा अंधेरा छा गया। उस कमरे में फैले गहरे सन्नाटे में कपड़े को फाड़ने की आवाज गूंज उठी और फिर सब कुछ जैसे शांत हो गया। अपने कांपते हाथों से उसने मोबाइल का टॉर्च शुरू करते हुए रोशनी पोस्टमार्टम टेबल की तरफ डाली और डर के मारे उसकी धड़कन ही रुक गई। पोस्टमार्टम टेबल पर वो लाश नहीं थी, टेबल खाली था। आवाज आ रही थी तो किसी की घर घर करती सांसों की। अब वहां रुकना मतलब अपनी मौत को दावत देने के बराबर था, क्योंकि वो शैतानी आत्मा थी, मासूम लोगों को मारकर उनके शरीर पर कब्जा करने वाली शैतानी आत्मा। बाहर निकलने के लिए दीपक झट से दरवाजे की तरफ मुड़ा। वो दरवाजा खोलने ही वाला था कि पोस्टमार्टम कमरे के बाहर खड़े बरगद की पेड़ की बड़ी सी टहनी टूटकर दरवाजे के सामने ही गिर गई। उसका बाहर जाने का रास्ता ही बंद हो गया। अब वो चाहकर भी दरवाजा नहीं खोल सकता था। उसने मोबाइल से सावन साहब को फोन किया, पर अंधेरे में किसी ने उसका फोन झट से खींचते हुए दीवार पर दे मारा। दीपक अब पूरी तरह से बेबस था। रात होने लगी। दीपक जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, पर अस्पताल के काफी पीछे बने उस पोस्टमार्टम कमरे के आसपास कोई नहीं था। तभी उसे पीछे से एक अजीब सी घसीटने की आवाज आने लगी, पर अंधेरा होने के कारण कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। पर उसे पता था कि वो शैतानी आत्मा यहीं कहीं मौजूद है।
डरी सहमी आवाज में उसने कहा। आखिर तुम चाहते क्या हो? दीपक चारों ओर फैले अंधेरे में अपनी डरी सहमी नजरें घुमाते हुए देखने लगा। तभी एक खौफनाक हंसी उसके कानों में गूंजती हुई सुनाई देने लगी और साथ डरावनी आवाज से उसका दिल दहल गया। हजारों मधुमक्खियों का छाता उसके ऊपर झपट पड़ा और उस अंधेरे में धूं धूं इस तरह की आवाज गूंजती रही। अगले दिन आंखें खोली तो वह हॉस्पिटल के बेड पर था। ईसीजी मशीन की बीप सुनाई दे रही थी। बाकी सब कुछ शांत था, ना कोई डरावनी आवाज, ना किसी की आहट। पास ही एक नर्स उसकी ग्लूकोज की बोतल देखकर चली गई। दीपक, अब कैसा लग रहा है? सावंत साहब उसके बेड के पास बैठे थे। दीपक का हाथ पकड़कर वे रोते हुए बोले, दीपक मुझे डॉक्टर सिंधे ने बताया कि तुम सच में आत्माओं से बातें करते हो। उसे पूरा यकीन था। वैसे मैं भूत प्रेत इन सब पर यकीन नहीं करता, क्योंकि मैं यकीन करना ही नहीं चाहता। कुछ साल पहले मेरी बेटी के शरीर पर एक शैतानी आत्मा ने कब्जा कर लिया। हमने कई साइकेट्रिस्ट को दिखाया पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसका पागलपन हद से ज्यादा बढ़ने लगा। रात भर जागती रही, अगर नींद आती तो जोर जोर से चीखती हुई उठती। घर में रेंगने वाले कॉकरोच, जमीन पर पेड़ों पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े मक्खियों को वो बेझिझक खा जाती। फिर उसे पागल खाने में दाखिल करना पड़ा। वहां एक दूसरी पागल महिला उस पर हमला कर उसके हाथ का मांस मूंछ लिया था, पर एक महीने बाद उसकी मौत हो गई। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि उसकी मौत एक महीने पहले ही हो गई थी। जिस कमरे में तुम थे ना, वहीं उसका पोस्टमार्टम हुआ था। वहां काम करने वाले लोग कहते हैं कि सिमरन के पोस्टमार्टम के बाद उस जगह अजीब सी घटनाएं होने लगी। तब से वो डिपार्टमेंट बंद कर दिया गया। मुझे माफ करना, क्योंकि मैंने तुमसे झूठ बोलकर वहां भेजा था, क्योंकि तुम आत्माओं से बात करते हो। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि सालों पहले मर चुकी मेरी बेटी की आत्मा क्या मुक्त हो गई है? क्या वो शैतानी आत्मा अब भी वहीं पर है? दीपक ने उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। शायद वो गुस्से में था। हताश होकर सावन साहब चले गए और दीपक अकेला कमरे में बेड पर लेटे हुए छत पर घूमने वाले पंखे की तरफ देखने लगा। बिल्कुल शांत शांत लग रहा था। अपनी आंखें बंद करके वो शांत पड़ा रहा, पर तभी दोबारा मधुमक्खी की हल्की आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। डर के मारे उसने झट से आंखें खोली। सच में एक मधुमक्खी उसके चेहरे के सामने मंडराते हुए हाथ पर बैठ गई। कुछ सेकंड दीपक की डरी सहमी नजरें उसी पर टिकी हुई थी। अगले ही पल झट से उसे पकड़कर उसे गौर से देखा और धीरे से अपने मुंह में डाल दिया। पूरे कमरे में धुंधली हल्की रोशनी छाई हुई थी, पर कमरे के बीचों बीच उस पोस्टमार्टम टेबल के ऊपर जलती ट्यूब की तेज रोशनी टेबल के ऊपर रखी लाश पर पड़ रही थी। दीपक गुमसुम उदास चेहरे से टेबल की एक तरफ खड़ा था। चेहरे से ही लग रहा था कि उसके दिल में किसी अनजान चीज का अजीब सा डर, अजीब सा खौफ बसा हुआ है। पोस्टमार्टम टेबल की दूसरी ओर खड़े सावन साहब टेबल पर रखी लाश का पोस्टमार्टम पूरा कर लाश को सफेद कपड़े से बांधने में लगे हुए थे। सफेद कपड़े में लिपटी हुई उस लाश के ऊपर अपनी डरी सहमी नजरें गड़ाए हुए दीपक ने सावन साहब से कहा, सर पता नहीं पर कुछ दिनों से अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझ पर नजर गड़ाए हुए है। मेरे आसपास काले अंधेरे में कोई छुप कर बैठा है जो मुझे 24 घंटे घूरता रहता है। दीपक, तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सावंत साहब की बात सुनकर दीपक ने उदासी भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, सर मैंने डॉक्टर से भी बात की पर वो कहते हैं कि मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। यह सब मेरा वहम है। सर ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे शरीर के भीतर है जो धीरे धीरे मेरा शरीर अंदर से कुरेद रहा है। मतलब क्या कहना चाहते हो? सावंत साहब ने गंभीरता से पूछा। सावंत साहब की तरफ देखते हुए दीपक ने गंभीरता से कहा, सर आपने लीच देखी है जो आम तौर पर किसी बरसाती झरने के पास बहते पानी या कीचड़ में पाई जाती है। जब वो लीच हमारे शरीर पर चिपक जाती है तो हमें महसूस नहीं होता, पर वो हमारा खून लगातार पीती रहती है और हमें दर्द ना हो इसलिए वो हमारे शरीर के उस हिस्से को एक अजीब सा एनेस्थीसिया देती है। बिल्कुल वैसे ही
कोई मेरा शरीर अंदर से कुरेद रहा है, पर मुझे दर्द नहीं हो रहा। दीपक की अजीब सी बातें सुनकर सावन साहब ने कहा, दीपक मेरे ख्याल से तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। काम के बढ़ते बोझ के कारण तुम्हारा दिमाग काफी थक गया है। तुम ऐसा करो, कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो। दीपक ने दोबारा अपनी नजरें टेबल पर गड़ाते हुए अपनी सहमी आवाज में कहा, सर मुझे लगता है आपकी बेटी को मारने वाली वो शैतानी आत्मा अब मुझे भी खत्म कर देगी। कहते हुए दीपक ने सावन साहब की तरफ देखा और पलक झपकते एक भयानक काली आकृति दीपक के ऊपर झपक पड़ी। दीपक ने सर्जिकल ब्लेड से डरावनी आकृति पर वार किया और अगले ही पल जोर से चिल्लाते हुए नींद से जाग गया। वो अपने कमरे के बेड पर था। रात के सन्नाटे में पसीने से लथपथ दीपक को अपने दिल की तेज धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। ओह, आज फिर वही डरावना सपना। पता नहीं यह सपना बार बार क्यों आ रहा है और कब तक आता रहेगा। अपने आप से बातें करते हुए उसने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा तो रात के 2 बजने वाले थे। वह दोबारा बेड पर लेटे सोने की कोशिश करने लगा। सुबह दीपक तैयार होकर काम पर पहुंच चुका था। पोस्टमार्टम रूम के भीतर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। अपनी आंखें बंद करके उसने लंबी सांसें ली। हमेशा की तरह एक लाश पोस्टमार्टम टेबल पर सफेद कपड़े में ढकी हुई नजर आई। कमरे के भीतर आते ही उसने लाइट शुरू कर दी है। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। उस कमरे के भीतर फैले खौफनाक सन्नाटे को चीरती बरसात बूंदों की तेज आवाज उसके दिल में खौफ पैदा कर रहा था। अब दीपक को पोस्टमार्टम के काम से डर लग रहा था, पर घर चलाने के लिए नौकरी तो करनी ही पड़ेगी। पोस्टमार्टम का ड्रेस चढ़ाकर वह टेबल पर रखी लाश के नजदीक आया। लाश के ऊपर ढका हुआ सफेद कपड़ा हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा, पर उसके हाथ डर के कारण कांप रहे थे। अपने डर के ऊपर काबू रखते हुए दीपक ने लाश के ऊपर ढका हुआ सफेद कपड़ा हटाए और सन्न रह गया। लाश पूरी तरह से सड़कर काली पड़ गई थी। लाश के शरीर से मांस खाने वाली सफेद कीड़े रेंगते हुए टेबल के ऊपर फैल रहे थे। अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगाते हुए सर्जिकल ब्लेड उठाया ही था कि तभी पीछे फैले काले अंधेरे से उसे एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई मर्द और औरत आपस में हल्की धीमी आवाज में कुछ बातें कर रहे हो। उस कमरे में वो अकेला था, फिर भी यह खुशफुसाहट एक अजीब सा डर उसकी नसों में जहर की तरह दौड़ने लगा। पीछे सचमुच कोई है या ये मेरा वहम है? खुद से ही बातें करते हुए वो अपनी सांस रोककर उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगा। कुछ साफ सुनाई तो नहीं दे रहा था, पर आवाज लगातार आ रही थी। उसे पीछे देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, पर उसके कान उस अजीब सी आवाज पर ही टिके हुए थे। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा और सब कुछ एकदम से शांत हो गया। कमरा थोड़ा अजीब सा लग रहा था। अपनी सांसें रोककर वो पीछे वाली दीवार पर लगे बड़े से कांच को देख रहा था। पीछे दीवार पर लगे उस काले कांच में दीपक को अपनी और पोस्टमार्टम टेबल पर रखी लाश का अक्स धुंधला सा नजर आ रहा था। लेकिन अब वो आवाज बंद हो गई थी, मगर उस कमरे में फैला हुआ एक अजीब सा सन्नाटा दिल में खौफ पैदा कर रहा था। दीपक हैरानी भरी नजरों से कुछ सेकंड उस आईने को देखता रहा और दोबारा टेबल की ओर मुड़ा तो जैसे उसकी जान हलक तक आ गई थी, क्योंकि उस लाश का काला पीला पड़ा हुआ चेहरा बिल्कुल दीपक के चेहरे के पास था। लाश की खुली आंखें उसी को ही घूरे जा रही थी। यह खौफनाक नजारा देखकर दीपक की जैसे सांसें रुक गई और अगले ही पल दीपक की गर्दन पकड़कर वो लाश घूरते हुए बोली, किसे ढूंढ रहे हो? वो डरावना दृश्य देखकर दीपक झट से कुछ कदम पीछे हटते हुए लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गया। उसने डर भरी नजरों से टेबल पर देखा, पर सब कुछ सामान्य था। वह लाश वैसे ही टेबल पर लेटी हुई थी।
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मेरा वहम है या सच में कोई बुरी आत्मा मेरे साथ खेल रही है? ये सब कुछ मेरे बर्दाश्त के बाहर है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा दिमाग फट जाएगा। खुद को संभालते हुए वह उठकर खड़ा हो गया और डर भरी नजरों से उस कमरे में चारों ओर देखने लगा। पर सब कुछ शांत था, ना किसी की आहट, ना कोई आवाज, बस एक जानलेवा सन्नाटा उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। एक अजीब सी थकान उसे महसूस होने लगी। चार पांच कदमों पर टेबल पर रखी उस लाश पर नजर डाली। मैं जानता हूं तुम्हारी आत्मा इसी कमरे में मौजूद है, पर क्या तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और आत्मा इस कमरे में मौजूद है? और क्या वो मुझसे कुछ कहना चाहती है? दीपक कुछ सेकंड तक उस लाश के चेहरे को ही निहारता रहा। पूरी तरह सड़कर काली पड़ी उस लाश के जिस्म से मांस खाने वाली कीड़े निकल रहे थे, पर उसकी आंखें खुली होने के कारण लाश का चेहरा देखकर अजीब सी घबराहट हो रही थी। इस सन्नाटे में उसे अपने दिल की धड़कने साफ साफ सुनाई दे रही थी। और तभी झट से एक औरत की काली परछाई अजीब से हंसते हुए दीपक के पीछे से गुजरी। दीपक ने डरी सहमी नजरों से पीछे मुड़कर देखा, पर पीछे सिर्फ अंधेरा था। वो अब समझ चुका था कि एक शैतानी आत्मा उसके इर्द गिर्द मंडरा रही है। अपने डर पर काबू रखते हुए उसने टेबल पर पड़ी लाश को देखा और बाजू की ट्रे में पोस्टमार्टम के लिए रखे औजारों में से सर्जिकल ब्लेड उठाया। टेबल पर रखी लाश को देख अपनी दोनों आंखें बंद कर ली और एक लंबी सांस लेते हुए अपने डर को कम करने की कोशिश करने लगा। लेकिन फिर एक बार उसे वही हल्की और फुसफुसाहट सुनाई दी, पर उस आवाज को नजरअंदाज करते हुए उसने आंखें खोली और लाश को देखते हुए अपने हाथ में पकड़ा सर्जिकल ब्लेड धीरे से लाश की गर्दन में घुसाया। लाश के शरीर को चीरते हुए ब्लेड पीठ तक ले गया। वह लाश का सीना खोलता तभी सड़न की वजह से सीने में जमी गैस के साथ बदबूदार काले पानी की पिचकारी उसके चेहरे पर पड़ी। क्या मुसीबत है! उस घिनौनी गंध की वजह से वह टेबल से दूर हट गया। चेहरे पर उड़े उस पानी की बदबू से जैसे उसे उल्टी आने लगी। दीपक को भी पता था कि पोस्टमार्टम करते वक्त ऐसी घटना आम होती है, पर लाश के शरीर से निकलने वाला ऐसा पानी जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए बिना वक्त गवाए दीपक उसी कमरे के कोने में बने वॉश बेसिन के पास गया। आईने में अपना चेहरा देखा तो एक तरफ काला गंदा चिपचिपा पानी चेहरे पर लगा था। नल शुरू करते हुए पानी से चेहरा साफ करने लगा। पानी से चेहरा साफ तो हो गया, पर उस बदबू की वजह से अभी भी घुटन हो रही थी। पल भर अपना गीला चेहरा आईने में देखते हुए हाथ पर साबुन लगाकर चेहरे के उस हिस्से पर मलने लगा जहां पर चिपचिपा पानी लगा था। धीरे धीरे उसने पूरे चेहरे पर साबुन लगाया। चेहरे पर लगा साबुन साफ करने के लिए उसने नल शुरू किया, पर नल में पानी नहीं आ रहा था। उसने दो तीन बार नल बंद शुरू किया पर पानी नहीं था। और तभी धप से जमीन पर कुछ गिरने की आवाज आई। उस आवाज से दीपक एकदम से चौंक गया। धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए उसने पोस्टमार्टम टेबल की ओर देखा और सन्न रह गया, क्योंकि वह लाश पोस्टमार्टम टेबल पर नहीं थी। दीपक के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई कि तभी पोस्टमार्टम टेबल पर लगी लाइट चर्र चर्र आवाज करते हुए बंद चालू होने लगी। वो कुछ समझ पाता कि अगले ही पल आंखों में साबुन जाने की वजह से आंखों में जलन हुई, जिससे झट से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी, धड़कनें तेज हो गई। डर के मारे वो दोबारा नल शुरू करने लगा, पर कोई फायदा नहीं था और एक अजीब सी आवाज ने उसे हिलाकर रख दिया। साबुन से होने वाली जलन की वजह से आंखें बंद थी, पर कानों से वो आवाज को सुनने लगा। आवाज जैसे कोई इंसान दर्द से कराह रहा था। आवाज तो आ रही थी,
पर आवाज कहां से आ रही थी ये समझ में नहीं आ रहा था। अपनी सांसें रोककर वो अपनी आजू बाजू से आने वाली हर आवाज को गौर से सुनने की कोशिश करने लगा और इस गहरे जानलेवा सन्नाटे से दोबारा वही गहराने की आवाज आई, पर इस बार जमीन पर घसीटने की आवाज भी थी, जैसे आसपास फैले काले अंधेरे में से कोई जमीन पर रेंगता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। डर के मारे दीपक की धड़कनें तेज हो गई। जैसे तैसे उसने आंखें खोली और सामने का वो डरावना दृश्य देखकर धड़कन ही उसकी रुक गई, क्योंकि जिस लाश का वो पोस्टमार्टम कर रहा था वही लाश जमीन पर पड़ी थी और दीपक को देखते हुए धीरे धीरे रेंगते दीपक की ओर आ रही थी। लाइट बंद चालू होने के कारण वह दृश्य और भी ज्यादा डरावना लग रहा था, पर तभी साबुन से जलन की वजह से उसे अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। डर के कारण उसने 2-3 बार पानी के नल पर गुस्से से हाथ मारा, पर पानी नहीं आ रहा था। उसने शर्ट के कॉलर से अपना चेहरा साफ किया और खौफ भरी नजरों से दाईं तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था। दोबारा उस कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। आवाज थी तो केवल डर के कारण दीपक की तेज चलने वाली सांसों की, जैसे किसी अस्थमा के मरीज की तरह आप रहा था। वह अपने आप को संभालते हुए उस कमरे में अपनी नजरें घुमाते हुए पोस्टमार्टम टेबल की तरफ बढ़ने लगा। लाश टेबल से गायब थी। टेबल के ऊपर बंद चालू होने वाली बल्ब पर हाथ मारते ही लाइट फिर से चालू हो गई। कुछ सेकंड वह वैसे ही शांति से टेबल के पास खड़ा कमरे में नजरें घुमाते हुए उस लाश को ढूंढने की कोशिश करने लगा, और तभी उस लाश ने झटके से पीछे से आकर उसकी गर्दन जकड़ ली और लाइट दोबारा बंद चालू होने लगी। अपने आप को छुड़ाने के लिए उसने लाश के हाथ पर पूरी ताकत से अपने दांत लगाए, पर उस लाश ने उसे पोस्टमार्टम टेबल पर लिटा दिया। काले अंधेरे में जैसे उसका पूरा शरीर जकड़ लिया गया और बिजली की चर्र चर्र आवाज के साथ दीपक की दर्द भरी चीखें लगातार उस कमरे में गूंजती रही। सर, पिछले 2 महीने से ये 10वीं बार हुआ है। आप मानो या ना मानो, पर उसके साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। मतलब? दीपक को जिस कमरे में रखा गया है, क्या आप जानते हैं इससे पहले उस कमरे में कौन एडमिट था? मतलब? सिमरन नाम की लड़की, जो शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर सावंत की बेटी थी और जो आपके हिसाब से पागल हो गई थी। तो उस बात से इसका क्या कनेक्शन? सर, सिमरन ने भी इलाज के दौरान एक मरीज का हाथ काट लिया था। आज दीपक ने भी भूत समझकर हमारे कर्मचारी पर हमला किया और उसका हाथ काट लिया। मतलब 2 महीने पहले दीपक ने पोस्टमार्टम करते वक्त सावन साहब पर सर्जिकल ब्लेड से हमला किया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ साहब, ये शरीर दीपक का है, पर इसमें दीपक की आत्मा नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा है। शायद तुम पागल हो गए हो। ये दीपक ही है जो हेल्यूसिनेशन से बीमार है। और बेड पर पड़ा दीपक होश में आने लगा। डॉक्टर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम? सर, दीपक। उम्र? 29 साल। काम क्या करते हो? सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम का काम करता हूँ। डॉक्टर ने उस कर्मचारी की ओर देखते हुए कहा, देखा, इसने सारी जानकारी सही बताई। कहकर डॉक्टर कमरे से बाहर जाने लगे। तभी दीपक के बेड के पास खड़ा वो कर्मचारी बोला, सर, वो दीपक नहीं बल्कि दीपक के शरीर में मौजूद शैतानी आत्मा बोल रही है, जिसे आप सच मान रहे हैं। अगर दीपक के शरीर में शैतानी आत्मा है तो दीपक की आत्मा कहाँ है, बताओ मुझे। कहकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और सन्न रह गए, क्योंकि उस कमरे में सिर्फ दीपक ही अकेला बेड पर लेटा हुआ था। मगर जिसके साथ इतनी देर से वह बातें कर रहे थे, वह कर्मचारी कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। रात के 10 बजने को थे। मेंटल हॉस्पिटल की वो पुरानी जर्जर बनी इमारत किसी पुराने खंडहर से कम नहीं लग रही थी। इमारत के बाहर कुछ बड़े से पेड़ थे,
जिनके पत्ते गिरने के कारण टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ही बची थी। बाहर पेड़ों की शाखाओं पर उल्टे लटके चमगादड़ों का झुंड अपनी खौफनाक आवाजों से रात के सन्नाटे को और डरावना बना रहा था। पर एक शाखा पर पेड़ की कोहनी पर बैठा एक उल्लू बिल्कुल शांत था, जैसे उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। उस उल्लू की नजरें उस इमारत के छत पर टिकी हुई थी। शायद उसे कुछ नजर आ रहा था, कुछ ऐसा जो आप और हम आम लोग नहीं देख सकते। उसी समय सीसीटीवी रूम से पूरे अस्पताल में निगरानी रखने वाली एक महिला कर्मचारी को सामने बड़ी सी स्क्रीन पर, कई छोटे छोटे स्क्रीन पर मरीजों के रूम में लगे कैमरे दिखाई दे रही थी। हर रूम के हालात अलग थे। कोई चीख रहा था, कोई रो रहा था, कोई जोर जोर से हंस रहा था। सीसीटीवी में उनकी आवाजें ना सही, पर हरकतों से समझ आ रहा था। निगरानी करते हुए अचानक से उस महिला की नजर एक कमरे के अंदर दिखने वाली हालत पर थम गई। एक कमरे में सीसीटीवी फुटेज पर उसकी नजर थम गई। छत पर एक कोने में लगे सीसीटीवी कैमरे में अजीब सा मंजर नजर आ रहा था। बेड पर एक लड़का पट्टियों से बंधा हुआ था, और तभी उसके बेड के दूसरे कोने में एक धुंधली सी काली परछाई उभरती नजर आने लगी। वह महिला गौर से उस परछाई को निहारने लगी कि तभी बेड के ऊपर लेटे उस लड़के के शरीर में हरकत होने लगी, जैसे उसे अपने कमरे में उस काली शक्ति की मौजूदगी का एहसास हुआ था। उसने अपनी परछाई की तरफ घुमाई और अपने आप को छुड़ाने की जद्दोजहद करने लगा। यह सब कुछ टीवी स्क्रीन पर देख महिला का डर के कारण जोर जोर से धड़कने लगा। हेलो सिक्योरिटी, रूम नंबर 24 के मरीज को चेक करो, शायद कुछ परेशानी लग रही है। ओके मैडम। फोन रखकर उसने टीवी स्क्रीन पर देखा तो उस लड़की ने हाथ से बंधी पट्टियों को तोड़ दी और दरवाजे की ओर भागा। सीसीटीवी में आवाज नहीं, पर उसकी हरकतों से लग रहा था कि कमरे से बाहर निकलने के लिए सीसीटीवी कैमरे के अंदर की तरफ देखकर जोर से चीखते दरवाजा लगने लगा, जैसे वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। पांच से महिला उसी तरह से उस लड़के की हरकतें देखती रही और डर के कारण उसके माथे पर पसीना आने लगा, और तभी टेबल पर रखी रिंग की रिंग हुई जिससे उसकी दिल की धड़कन ही रुक गई। हेलो मैडम, मैं रूम नंबर 24 के बाहर खड़ा हूँ, पर अंदर से दरवाजा बंद है। मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दरवाजे पर लगी छोटी सी खिड़की से देखो क्या नजर आ रहा है। महिला जारी उसका इंतजार करते हुए स्क्रीन पर देखा और सहमे रह गई। चार से सिक्योरिटी गार्ड जाता है और हाथ लिए वॉकी-टॉकी से बात करने लगता है। मैडम लगता है वो होश है। ठीक है, उसे बेड पर रखो, पट्टियों से बांध दो। तभी सीसीटीवी की स्क्रीन चल करते दिखने लगी। ये क्या मुसीबत है? कहते महिला कर्मचारी ने डर के की कुछ बटन दबाए। कुछ सेकंड में स्क्रीन ठीक हो गई और दूसरे झट से खड़ा हो गया। यह देखकर महिला कर्मचारी के घंटे खड़े हो गए। सिक्योरिटी गार्ड के गर्दन पकड़ कर उसे दीवार और जमीन पर कटकर मार डाला। जमीन पर पड़े सिक्योरिटी गार्ड के शरीर से निकलने वाला मुसमी सफेद फर्श पर बहने लगा। सीसीटीवी पर देखे उस भयानक मंजर ने उस महिला कर्मचारी को अंदर से हिला दिया। वह डर के मारे कांपने लगी थी। सीसीटीवी की तरफ पीठ करके वो पागल लड़का अभी भी सिक्योरिटी गार्ड की लाश के पास खड़ा था। गार्ड की लाश पर पैर रखकर वो सामने वाले कोने में जाकर खड़ा हो गया। महिला कर्मचारी की डरी सहमी नजरें उसी पर टिकी हुई थी, और फिर वो झट से अपनी गर्दन 180 डिग्री पीछे सीसीटीवी कैमरे की ओर घुमाता है। यह देखकर महिला कर्मचारी सहम जाती है और फोन का रिसीवर उठाकर कॉल लगाती है। उसकी आंखें सीसीटीवी स्क्रीन पर ही थी। सिक्योरिटी गार्ड पर हमला करके वो युवक सीसीटीवी कैमरे की तरफ देखते हुए वहीं जमीन पर गिर गया, और उसके जिस्म से एक धुंधली काली परछाई निकलकर खुले दरवाजे से बाहर निकलते हुए उसने साफ साफ देखा, जिससे वो डरी सहमी महिला कर्मचारी
अब अपनी खौफ भरी नजरों से हर एक सीसीटीवी फुटेज गौर से देखने लगी। फोन की लाइन बिजी होने के कारण उसने दोबारा फोन लगाया और उस सीसीटीवी कंट्रोल रूम के बाहर खाली वार्ड में लगी लाइट एकदम से बंद चालू होने लगी। साथ ही रूम के अंदर की लाइट भी बंद चालू होने लगी। सामने वाली स्क्रीन एकदम से बंद हो गई, पर अगले ही पल उस बड़ी सी स्क्रीन पर एक ही विंडो ओपन हो गई। वह फुटेज थी कंट्रोल रूम के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की। लाइट बंद चालू होने की वजह से फुटेज धुंधली से नजर आ रही थी। तभी वार्ड के दूसरे सिरे के कोने में कुछ अजीब हलचल होती दिखाई देने लगी। हेलो पुलिस स्टेशन, मैं कांस्टेबल माने। हेलो, मैं सरकारी मेंटल अस्पताल से बोल रही हूँ। फोन पर बोलते बोलते उस महिला कर्मचारी का ध्यान एकदम से सीसीटीवी फुटेज की ओर गया और वह सन्न रह गई, क्योंकि वार्ड में फैली धांधली रोशनी के बीच एक धुंधली परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आ रही थी। फोन की दूसरी तरफ से कांस्टेबल लगातार हेलो हेलो बोल रहा था, मगर वो महिला कर्मचारी इतनी डरी थी कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अब वो काली परछाई उसी सीसीटीवी कंट्रोल रूम के बाहर कैमरे को देखते हुए दरवाजे के पास खड़ी हो गई। महिला कर्मचारी सीसीटीवी फुटेज देखते हुए दरवाजे की ओर देखने लगी। चारों ओर फैले गहरे सन्नाटे की वजह से उसके दिल की तेज धड़कने उसे खुद को साफ साफ सुनाई दे रही थी। अगले ही पल जोर से दरवाजा खुला और उस महिला कर्मचारी की दर्दनाक चीख से अस्पताल की कंट्रोल रूम गूंज उठी। अगले दिन आसमान बरसाती बादलों से घिरा हुआ था। लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क पर काफी पानी जमा हो गया था। एक खूबसूरत डॉक्टर राधिका अपने स्कूटर से उतरी और अस्पताल के भीतर चलने लगी। डॉक्टर राधिका शहर की मशहूर साइकोलॉजिस्ट थी। मेंटल हॉस्पिटल के वार्ड में चलते चलते हर एक चीज की अच्छे से निगरानी कर रही थी। कुछ ही देर में वह एक रूम के पास पहुंच गई जिसके बाहर दो पुलिस वाले खड़े थे। उसने अपना आईडी कार्ड दिखाया और रूम के अंदर चली गई जहां दो कर्मचारी तस्वीरें खींचकर जांच कर रहे थे। नीचे सफेद फर्श पर खून ही खून फैला हुआ था जो अब सूख चुका था। डॉक्टर राधिका ने दरवाजे के बाहर खड़े हवलदार से पूछा, खूनी भाग गया या उसे पकड़ लिया? भागता कैसे हमारे होते हुए? पुलिस कांस्टेबल का आत्मविश्वास देखकर राधिका ने पूछा। अरे वाह, मतलब आपने पकड़ लिया? तभी रूम के अंदर जांच करने वाले एक कर्मचारी ने बताया, कत्ल करने के बाद खूनी बेहोश हो चुका था इसलिए पकड़ा गया, वरना इतनी खौफनाक हत्या देखने के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी उसके नजदीक भी जाने की। उसकी बात सुनकर राधिका ने पूछा, अब वो खूनी कहाँ है? मेंटल हॉस्पिटल के कमरे में, वो भी पुलिस की निगरानी में। और वो महिला कर्मचारी जो सीसीटीवी से निगरानी करती थी? वो तो मर चुकी है। मर चुकी है? पर कैसे? शायद हार्ट अटैक। शायद? क्या मुझे उस महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल सकती है? जी मैडम, डॉक्टर साहब से पूछकर मैं रिपोर्ट आपको भेज दूंगा। ठीक है, कहकर राधिका मेंटल हॉस्पिटल के उस कमरे की तरफ चलने लगी जहां दीपक को रखा गया था। मेंटल हॉस्पिटल काफी डरावना लग रहा था। खाली वार्ड के दोनों तरफ मरीजों के कमरे जिससे मरीजों के रोने चीखने और हंसने की आवाजें आ रही थी। सामने से आने वाले कर्मचारी से पूछा, दीपक जिसने कल सिक्योरिटी गार्ड को मारा था? वो सामने वाले कमरे में मैडम, कहकर वो कर्मचारी आगे निकल गया। कुछ ही देर में वो एक कमरे के पास पहुंची। वो कमरा वार्ड के एक कोने में था, एकदम सुनसान डरावना सा वो कमरा, कुछ अजीब सा लग रहा था। बाहर एक पुलिस वाला खड़ा फोन पर बात कर रहा था। नजदीक जाते हुए राधिका ने दरवाजे पर लगी छोटी सी खिड़की से उसे अंदर झांक कर देखा तो दीपक चुपचाप बेड पर बैठा था, कुछ डरा सहमा लग रहा था। इसकी पूरी जांच करनी पड़ेगी। उसका मेंटल चेकअप शुरू हो गया, पर वो हर सवाल का जवाब किसी नॉर्मल इंसान की तरह दे रहा था। तभी राधिका के परेशान चेहरे की ओर देखकर दीपक ने कहा, मुझे पता है आप असल में क्या पूछने आई हैं, या फिर किस चीज की जांच करने आई हैं। जांच? किस चीज की जांच? मौतों की जांच, और हर मौत में मेरी इन्वॉल्वमेंट। तो खून हो रहे हैं और उनका शक तुम पर है, इसकी जानकारी है तुम्हें? हाँ, सब जानते हैं कि गार्ड की मौत कैसे हुई, पर ये कोई नहीं जानता कि महिला कर्मचारी की मौत कैसे हुई। हार्ट अटैक से। वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा,
पर उसने कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल बर्दाश्त नहीं कर सका। ऐसा क्या देखा था उस महिला कर्मचारी ने? अपनी डरावनी मौत, मौत जो उसके आसपास कहीं थी, जिसे वो महसूस कर सकती थी पर ना देख सकती थी, ना उस मौत से बच सकती थी। तुम्हें उस मौत से डर नहीं लगता? हाँ लगता है, पर वो मुझे अब नहीं मारने वाली। वो इंतजार कर रही है, इंतजार। इंतजार? किस चीज का इंतजार? दीपक खामोश रहा। उसकी खामोशी देख राधिका ने पूछा, अब वो कहाँ है? एक गहरा सन्नाटा। राधिका का सवाल सुनते ही दीपक कुछ सेकंड राधिका के आंखों में आंखें डालकर देखता रहा और फिर राधिका के पीछे देखा। एक अजीब सी मुस्कुराहट दीपक के चेहरे पर छा गई और वैसे ही अजीब सी नजर से उसने दोबारा राधिका की ओर देखा। अगर जिंदा रहना चाहती हो तो दोबारा मुझसे मिलने मत आना, उसे तुम पसंद आ रही हो। किसे? खुलकर बताओ, डरो मत। राधिका की ये बात सुनकर दीपक गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने जोर से सामने वाले टेबल पर हाथ मारा और चीखते हुए बोला, मैं नहीं डरता, पर तुम्हें डरने की जरूरत है क्योंकि अगला शिकार तुम हो। दीपक की वो डरावनी हरकत देखकर पास खड़ा एक पुलिस वाला दौड़ता हुआ आगे आया और दीपक को जमीन पर गिरा दिया। मैडम आप यहाँ से निकलिए, ये काफी खूंखार है। दीपक की हरकत देखकर राधिका सहम गई। दीपक गुस्से में उसकी तरफ देखता रह गया। रात के करीब 11 बजने को थे। राधिका बेड पर लेटी जरूर थी पर उसके दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही थी। अपनी आंखें बंद करके वो गहरी सोच में डूबी थी। अगला शिकार मैं हूँ, इसका क्या मतलब है? लगता है इसके दिमाग पर काफी गहरा असर हुआ है, कल उसे शॉक ट्रीटमेंट देना होगा। वह सोच ही रही थी कि तभी उसके मोबाइल की रिंग हुई। मेंटल हॉस्पिटल से फोन, वो भी इतनी रात को। उसने फोन रिसीव किया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा था। आवाज आ रही थी तो सिर्फ चलती हुई सांसों की, जैसे कोई चुपचाप राधिका की आवाज सुन रहा था। हेलो, कौन है? पर दूसरी तरफ जो भी था वो बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा था। हेलो, आप कुछ बोलेंगे या मैं फोन कट कर दूं? परेशान होकर वो फोन कट कर रही थी कि तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आई, अपना ख्याल रखना, वो निकल चुका है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। उसकी बातें सुनकर राधिका हैरान हो गई। लगता है कोई पागल है, कहकर उसने मोबाइल बेड पर रख दिया कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। क्या मुसीबत है, इतनी रात को कौन आ गया? मोबाइल उठाकर वो अपने कमरे से बाहर निकली। घर का मुख्य दरवाजा खोलने के लिए वो दरवाजे की तरफ चलने लगी कि तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे उसके कदम ही रुक गए। सामने वाला दरवाजा धीरे धीरे अंदर की ओर खुल रहा था। खुले दरवाजे से दिखने वाला डरावना अंधेरा उसके दिल में खौफ पैदा कर रहा था। मैंने तो दरवाजा बंद कर लिया था, तो फिर दरवाजा किसने खोला? उसकी डरी सहमी नजरें घर के अंदर चारों ओर घूमने लगी। पूरे कमरे में एक जानलेवा सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ पल वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए दरवाजे की ओर चलने लगी। राधिका दरवाजे के पास पहुंची थी कि तभी उसे खौफनाक सन्नाटे में एक औरत के हंसने की धीमी आवाज गूंजने लगी। उसने गौर से सुना तो वो आवाज उसी के कमरे से ही आ रही थी। उसने मुड़कर देखा तो उसके कमरे का दरवाजा आधा खुला था। वह चुपचाप खड़ी अपने सांसें रोककर कमरे के भीतर से आने वाली उस आवाज को सुन रही थी। गहरे सन्नाटे से आने वाली हल्की सी आवाज काफी डरावनी लग रही थी। डर के कारण उसके माथे पर पसीने की बूंदें जमा हो गई। दिल भी जोर जोर से धड़क रहा था कि तभी उसके पीछे का दरवाजा जोर की आवाज से बंद हो गया। उसने झट से मुड़कर दरवाजे की ओर देखा। उस आवाज से राधिका पूरी तरह से सहम गई। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा और दोबारा उसे अपने कमरे से वही हंसने की आवाज सुनाई देने लगी। कौन है? आवाज देते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की ओर चलने लगी। कौन हो तुम? देखो मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी,
अपने हाथ में मोबाइल कस के पकड़कर वह एक एक कदम अपने कमरे की ओर चलने लगी। कमरा कुछ ही दूर था कि तभी कमरे की लाइट चली गई और वो खौफनाक हंसी की आवाज भी बंद हो गई। उसने झट से अपने मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और रोशनी अपने कमरे के दरवाजे पर डाली। दरवाजा आधा खुला था तभी पीछे से कोई उसके कानों में एक आवाज गूंजी, अपना ख्याल रखना, वो आ चुका है। आवाज सुनकर वो झट से पीछे मुड़ी पर पीछे कोई नहीं था और दोबारा उसने मोबाइल की रोशनी अपने कमरे के दरवाजे पर डाली और तभी एक काला साया तेजी से उसके ऊपर झपटा और झट से वो नींद से जाग गई। वह बेड पर ही लेटी थी। वह उठकर बेड पर बैठ गई। डर के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था कि तभी मोबाइल की रिंग हुई। दीवार पर टंगी घड़ी में 2 बज रहे थे। उसने फोन उठाया। फोन मेंटल हॉस्पिटल से था। कांपते हुए उसने फोन रिसीव किया। हेलो। कुछ सेकंड तक जानलेवा सन्नाटा पसरा रहा। हेलो। वो आगे कुछ बोलती कि तभी दूसरी ओर से एक डरावनी आवाज आई, अपना ख्याल रखना, वो निकल चुका है। अपने कानों पर पड़ी वो आवाज उसने झट से पहचान ली। वो आवाज दीपक की थी। हेलो, तुम किसकी बात कर रहे हो, बोलो। राधिका कांपती हुई आवाज में उससे पूछ रही थी पर फोन कब का कट हो चुका था। फोन की तरफ देखते हुए उसने वक्त देखा और अपने मोबाइल से मेंटल हॉस्पिटल में फोन लगाया। रिंग तो हो रही थी पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। राधिका परेशान हो गई। मोबाइल कान से लगाए उसकी नजर सामने की दीवार से सटी अलमारी पर लगे आईने में गई और एक पल के लिए उसके दिल की धड़कन ही रुक गई। आईने में उसे अपना अक्स दिखाई दे रहा था और बिल्कुल अपने पीछे काले इंसान की परछाई सिर्फ एक पल के लिए नजर आई। वह डरावना दृश्य देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने झट से पीछे देखा पर पीछे कोई नहीं था। तभी उसके मोबाइल पर एक अननोन नंबर से एक वॉइस मैसेज दिखाई दिया। राधिका ने मैसेज प्ले किया। तुम मुझे पसंद आ गई। वॉइस मैसेज से निकली वो खौफनाक आवाज सुनकर राधिका के दिल की धड़कन थम गई। डर के मारे उसका मोबाइल हाथ से छूट गया। जमीन पर पड़ा मोबाइल उठाने के लिए वो झुकी ही थी कि झट से किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। इस बार उसके मुंह से चीख ही निकल गई। डर के कारण राधिका घर से बाहर निकलते हुए अपनी गाड़ी में आकर बैठ गई। वह काफी डर चुकी थी। शायद उसने कुछ ऐसा देखा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। गाड़ी में चाबी लगाकर गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो अपने घर के आधे खुले दरवाजे की ओर देख रही थी। घर के भीतर कोई था जो अब बाहर आने की कोशिश कर रहा था। राधिका अपनी सांसें रोक कर एक तरफ दरवाजे की ओर देखती तो दूसरी तरफ चाबी घुमाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि उसके घर का आधा खुला दरवाजा अब अपने आप ही धीरे धीरे अंदर की ओर खुल रहा है। धीरे धीरे दरवाजा पूरी तरह से खुल गया और राधिका अपनी सांसें रोककर उस दरवाजे के भीतर फैले काले अंधेरे में देखने लगी। चारों ओर बिल्कुल गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। उसे अपने दिल की तेज धड़कनों की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह दरवाजे के भीतर ही नजरें गड़ाए बैठी थी कि तभी कार की कांच के ऊपर झट से काला इंसानी हाथ पड़ा। वह मंजर देखकर राधिका के मुंह से जोर से चीख निकली और अगले ही पल उसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तेजी से गाड़ी घुमाते हुए वह अपने घर से दूर जाने लगा। जो उसके साथ हो रहा था वो उसकी कल्पना से परे था। अब इसका जवाब दीपक ही दे सकता था। सुनसान सड़क पर उसकी गाड़ी करीब 100 की स्पीड से जा रही थी। सब कुछ शांत लग रहा था पर डर के मारे उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उसके कानों पर एक अजीब सी आवाज आने लगी। अपनी सांसें रोककर वह अजीब सी आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी। मधुमक्खी की धू धू करती आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसकी नजर सामने कार के डैशबोर्ड पर गई। एक छोटी सी मधुमक्खी डैशबोर्ड के ऊपर मंडरा रही थी। राधिका ने पास वाली सीट पर रखा न्यूज़पेपर उठाया
और एक ही झटके में उस मधुमक्खी को खत्म कर दिया और दूसरा अपनी आंखें सड़क पर गड़ाए तेजी से मेंटल हॉस्पिटल की ओर जाने लगी कि तभी एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता कार की खुली खिड़की से अंदर घुस गया। ये सब देखकर राधिका का कार पर से कंट्रोल छूटने लगा। उसकी कार दाएं बाएं सड़क पर चलते हुए आखिरकार पलट गई और काफी दूर तक घसीटते जाकर एक जगह रुक गई। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। सबसे अजीब बात यह थी कि वहां पर ना कोई मधुमक्खी थी और ना कोई अजीब सी आवाज आ रही थी। कार का दरवाजा खोलकर राधिका बाहर निकली पर उसे खरोंच तक नहीं आई थी। खुद को संभालते हुए देखा तो पीछे वाली सड़क पूरी तरह से खाली थी। उसने मुड़कर सामने देखा तो कुछ ही दूरी पर वो मेंटल हॉस्पिटल नजर आ रहा था। अब सारे सवालों के जवाब वही मिलने वाले थे। वह मेंटल हॉस्पिटल से अंदर आई पर काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। पूरे अस्पताल में अंधेरा फैला हुआ था। शायद लाइट चली गई थी पर वहां ना कोई मरीज और ना कोई डॉक्टर नजर आ रहा था। सन्नाटा, बिल्कुल गहरा सन्नाटा चारों ओर फैला हुआ था। कहां गए सब? क्या मुसीबत है? उसने मोबाइल शुरू करने के लिए जींस के पॉकेट में हाथ डाला और समझ में आ गया कि उस हादसे के वक्त मोबाइल घर पर ही रह गया। काउंटर पर रखे लैंडलाइन फोन से कॉल करने लगी पर फोन तो बंद पड़ा था। उसे काउंटर के ड्राइव में एक टॉर्च मिल गई। उसने टॉर्च शुरू की पर वो एकदम से शुरू होते हुए दोबारा बंद हो गई। तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हो गई। उसने झट से पीछे मुड़कर देखा पर कोई नहीं था। काले अंधेरे में टॉर्च की रोशनी डालते हुए उसने आवाज लगाई, हेलो सिक्योरिटी, कोई है? पर उस गहरे सन्नाटे से किसी की आवाज नहीं आ रही थी। दिन रात पागलों की चीख पुकार से गूंजने वाली उस मेंटल हॉस्पिटल में अमावस की रात में किसी शमशान में फैले खौफनाक सन्नाटे की तरह गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। डर के मारे राधिका के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हाथ में लिए टॉर्च की रोशनी वो चारों ओर डालते हुए सिक्योरिटी गार्ड को ढूंढने लगी पर एक अजीब सी बात उसने नोटिस की। पागलों को बंद करके रखे हर कमरे के दरवाजे की कुंडी टूटी हुई थी। उसने हैरानी से हर दरवाजे पर रोशनी डाली पर सारे दरवाजे बंद तो थे पर उनके ऊपर लगी कुंडी टूटी हुई थी। उसने दोबारा आवाज लगाई, सिक्योरिटी, हेलो, कोई है? पूरा अस्पताल खाली पड़ा हुआ था। अपने आप से बुदबुदाते हुए वो खाली वार्ड में चलने लगी। पता नहीं कहां गए सबके सब। राधिका की बात खत्म होते ही उसके कानों पर एक हल्की सी आवाज पड़ी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चारों ओर फैले गहरे अंधेरे से आई आवाज ने राधिका को एकदम से डरा ही दिया। उसने झट से टॉर्च की रोशनी आवाज की तरफ डाली पर कोई नहीं था। डर के मारे राधिका टॉर्च की रोशनी को चारों ओर घुमाकर देखने लगी पर कोई नहीं था। तभी उसकी नजर दाईं तरफ वाले एक कमरे के खुले दरवाजे पर गई। वह दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। राधिका ने टॉर्च की रोशनी उस दरवाजे के ऊपर ही डाली और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। दरवाजा पूरी तरह से बंद होने से पहले ही राधिका ने उस दरवाजे को रोक लिया। दरवाजे को अंदर की ओर खोलते हुए उसने टॉर्च की रोशनी कमरे के भीतर डाली। सामने एक खाली बेड था, वहीं पर एक पानी का ग्लास और एक ट्रे भी था। उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मधुमक्खी की धों धों करती आवाज। उसने रोशनी छत पर डाली तो ऊपर लगी खिड़की से तीन चार मधुमक्खियां मंडराती हुई दूसरे कोने में जाती दिखाई दी। पर जैसे जैसे टॉर्च की रोशनी आगे की ओर बढ़ाने लगी वैसे मधुमक्खियों की तादाद बढ़ती दिखने लगी। टॉर्च की रोशनी कमरे के ऊपर कोने से नीचे की तरफ लेकर आई और जैसे ही रोशनी जमीन पर डाली राधिका के मानो रोंगटे खड़े हो गए हो। डर के मारे वो दो कदम पीछे हट गई। जमीन पर हजारों मधुमक्खियों की मानो चादर बिछी हुई थी और उसके बीच खून से लथपथ एक इंसान की कटी हुई लाश पड़ी थी। मानो मधुमक्खियां उसका खून चूस रही थी। वह खौफनाक मंजर देखकर
राधिका मुंह को दबाए झट से दरवाजे से बाहर निकली। पूरी तरह अंधेरे में डूब चुके उस अस्पताल के वार्ड में राधिका हर कमरे का दरवाजा खोलकर देखने लगी और उसका दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। हर दरवाजे की कुंडी कुल्हाड़ी से तोड़ी गई थी और हर कमरे में एक मरीज की बुरी तरह से कटी हुई लाश पड़ी थी और उन लाशों का खून चूसने वाली मधुमक्खियां टॉर्च की सफेद रोशनी में जमीन पर फैले लाल खून में पड़ी वो लाशें देखकर राधिका को उल्टी आने लगी। वह दौड़ती हुई बाथरूम में गई, टॉर्च बाजू में रख कर लगातार उल्टियां करने लगी। तभी उसे अपने पीछे फैले अंधेरे में से अजीब सी आवाज आने लगी, डरो मत, वो आने वाला है। उस डरावनी आवाज से राधिका के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कांपते हाथों से टॉर्च उठाया पर टॉर्च बंद पड़ गई थी। वह लगातार कोशिश करने लगी पर टॉर्च शुरू नहीं हो रही थी। चारों ओर फैले अंधेरे से लोहे की कोई चीज घसीटने की आवाज आने लगी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। आवाज से लग रहा था जैसे अस्पताल के वार्ड से कोई चलते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहा हो। राधिका अपने डर पर काबू रखते हुए लगातार टॉर्च शुरू करने में जुटी थी पर कुछ ही देर में वो आवाज कम होते होते बंद हो गई। डर के कारण राधिका का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। गुस्से से उसने जोर से टॉर्च पर हाथ मारा और झट से टॉर्च शुरू हो गई। अब वो किसी भी तरह यहां से बाहर निकलना चाहती थी कि तभी उसके कानों पर दोबारा एक आवाज पड़ी। जमीन पर किसी लोहे के औजार घसीटने की हल्की सी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। उसने आवाज की ओर देखा। आवाज एक कमरे से आई थी। दरवाजे पर रोशनी डालते हुए वो कमरे के पास पहुंच गई। दरवाजे को हल्के से धक्का दिया तो वो अंदर की ओर खुल गया। उसने टॉर्च की रोशनी कमरे के भीतर डाली तो कमरे के एक कोने में उसकी तरफ पीठ करके खून से लथपथ एक शख्स बैठा था। वह जमीन पर लगातार कुछ घिस रहा था। पूरी जमीन पर खून ही खून बिखरा हुआ था। उसकी ओर देखते हुए राधिका कुछ बोलती कि तभी वह शख्स बोलने लगा, आखिरकार तुम यहां आ गई। खून से उसका शरीर पूरी तरह से लाल हो चुका था। कौन हो तुम? राधिका की कांपती हुई आवाज को सुनकर उसने अपनी गर्दन धीरे से राधिका की तरफ घुमाई। राधिका पहचान गई, वो दीपक था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। राधिका ने टॉर्च की रोशनी दीपक के ऊपर डाली और सन्न रह गई। उसका पूरा शरीर जैसे खून से भीगा हुआ था। चारों ओर काला अंधेरा और उस अंधेरे में जमीन पर बैठे दीपक के ऊपर पड़ी टॉर्च की सफेद रोशनी में उसका वो रूप काफी डरावना लग रहा था। उसकी तरफ देखते हुए कांपती हुई आवाज में राधिका ने पूछा, दीपक, तुम ये सब किसने किया? राधिका की डरी सहमी आवाज को सुनकर दीपक ने एक हाथ से इशारा करते हुए कहा, क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों हो? इतनी सारी लाशें, ये खून देखकर कोई भी डर जाएगा। मतलब तुम इंसान हो, अब तक राक्षस नहीं बनी तो उसका स्वागत कैसे करोगी? राक्षस नहीं बनी मतलब, और किसका स्वागत? ये सब क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, इन मासूम लोगों का बहता खून, जमीन पर लोगों की बिछी लाशें, ये सब देखकर तुम खुश नहीं हुई? मतलब तुम अभी राक्षस नहीं बनी? उसकी अजीब सी बातें सुनकर राधिका को गुस्सा आ गया। तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो। पागल नहीं, राक्षस तुम भी बनोगी। मैं? वो कैसे? मौत किसी की भी हो, अगर किसी बेगुनाह की मौत से खुशी मिलती है तो समझ लो तुम अब राक्षस हो चुकी हो। इंसानों का बहता खून, सरेआम लोगों की हत्याएं, लड़कियों पर, औरतों पर बर्बरता से रेप, ये देखकर उनकी दर्दनाक चीखें सुनकर तुम्हें मजा आने लगे तो समझ लेना तुम राक्षस बन गई हो। मतलब तुम राक्षस बन गए हो और इसीलिए तुमने इन मासूम लोगों को मार डाला? हाँ, उसकी सेवा के लिए। अब वो धरती पर आने वाला है तो जो उसे पसंद है वो तो करना ही होगा ना। दीपक की डरावनी बातें सुनकर राधिका का सिर चकरा गया। अपने डर पर काबू रखते हुए उसने पूछा, कौन आने वाला है? शैतान, राक्षस,
असुर। क्या बात कर रहे हो? दीपक ने बेखौफ होकर पूछा तो कांपती हुई आवाज में राधिका बोली, ये सब करते वक्त तुम्हें सिक्योरिटी गार्ड ने नहीं रोका? सिक्योरिटी ने रोकने की कोशिश तो की, पर इतना कहकर दीपक के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई। अपनी गर्दन को थोड़ा मोड़ते हुए ऊपर की तरफ नजरें घुमाई। राधिका ने भी टॉर्च की रोशनी छत की तरफ डाली और खौफनाक मंजर देखकर जैसे उसकी जान ही हलक तक आ गई, क्योंकि दोनों गार्ड की सिरकटी लाशें छत से उल्टी लटक रही थी। गर्दन से टपकने वाली खून की बूंदें जमीन पर फैली हुई थी। राधिका ने अपने एक हाथ से अपने मुंह को दबाए रखा ताकि चीख ना निकले। वह धीरे धीरे पीछे की ओर चलने लगी, पर टॉर्च की रोशनी दीपक पर ही टिकी हुई थी और झट से मुड़कर दरवाजे की तरफ दौड़ी। वह दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर दरवाजा लॉक हो चुका था। अब वो पूरी तरह से अस्पताल में फंस चुकी थी। तभी एक अजीब सी डरावनी आवाज उसके कानों पर पड़ी। उसने टॉर्च की रोशनी उस कमरे के दरवाजे पर डाली जिसके भीतर दीपक था। उसकी निगाहें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। सांस रोककर वो दरवाजे की ओर देख रही थी। वह दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा, पर पलक झपकते ही दीपक राधिका के सामने आ गया, जैसे वो उसके पास नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। उसका खून से लथपथ रूप देखकर राधिका जोर से चीखती हुई दरवाजे पर गिरी, पर सामने देखा तो कुछ नहीं था। दीपक अब भी उसी कमरे के भीतर से राधिका को लगातार घूरे जा रहा था। कुछ तो अजीब हो रहा था उसके साथ। बिना आवाज किए राधिका दाईं तरफ वाले कमरे में गई। अंधेरे में डूबे उस कमरे को टॉर्च की रोशनी में देखा तो वो किचन में आ गई थी। उस गहरे सन्नाटे में जमीन पर कुल्हाड़ी घसीटने की आवाज आने लगी। एक हाथ में कुल्हाड़ी का डंडा पकड़कर उसे जमीन पर घसीटते हुए दीपक वार्ड में चल रहा था। राधिका डरी सहमी सी किचन के कोने में छिपी उसे देख रही थी। दीपक का खौफनाक रूप देख वह डर के मारे रोए जा रही थी। आवाज ना आए इसलिए दोनों हाथों से अपना मुंह दबाकर रखा था। तभी उसकी नजर सिलेंडर पर गई। उसने चुपके से गैस की बटन ऑन कर दिया कि तभी झटके से दीपक ने पीछे से उसका मुंह पकड़ लिया। उसके हाथ से टॉर्च छूटकर जमीन पर गिरकर टूट गई और चारों ओर काला अंधेरा छा गया। दोपहर 1 बजे के करीब जमीन पर बेहोश पड़ी राधिका को दो अस्पताल के कर्मचारियों ने स्ट्रेचर पर रख दिया और एम्बुलेंस की तरफ चलने लगे। दीपक की कटी हुई लाश वहीं जमीन पर पड़ी थी। कुछ पुलिसकर्मी मेंटल अस्पताल में छिपी लाशों का पंचनामा कर रहे थे। उस मेंटल अस्पताल के बाहर लोगों की काफी भीड़ नजर आ रही थी। 2 महीने बाद रात के करीब 10 बजे होंगे, एक अस्पताल से निकलकर राधिका अपनी कार में बैठकर घने जंगल से तेजी से गुजरने लगी। तभी एक हिरन का मासूम बच्चा दौड़ते हुए उसकी कार से टकरा गया। राधिका ने कस के ब्रेक लगाए। कार के पहिए रोड पर घसीटते हुए कुछ दूर जाकर रुक गई। सब कुछ शांत हो गया। अचानक घटी इस घटना से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, पर कार का दरवाजा खोलते हुए वह बाहर आई। पीछे देखा तो सड़क के बीचों बीच वह हिरन का बच्चा खून से लथपथ होकर जख्मी हालात में छटपटा रहा था। वह तेजी से चलते हुए उसकी तरफ गई, पर तब तक उसकी छटपटाहट बंद हो गई थी। वह मासूम हिरन का बच्चा मर चुका था। नम आंखों से उसे देखते हुए जमीन पर फैला उसका खून हाथ से छूकर देखने लगी। उस लाल खून को अपनी डरी सहमी आंखों से देखते झट से खड़ी हो गई, पर अगले ही पल उस लाल गाढ़े खून देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए अपनी जेब से चाट लिया और खून से सने हाथ को अपने पेट पर घुमाते हुए मुस्कुराकर बोली, तुम्हें भी अब भूख लग रही होगी ना? और एक पल में उसके दिमाग में दीपक की सारी बातें घूमने लगी। तुम उसे पसंद आ गई हो, वो आ रहा है, उसे खून पसंद है। और किचन में दीपक ने उसका मुंह दबा लिया। मुस्कुराते हुए राधिका अपनी कार में बैठ गई और अपने पेट पर हाथ घुमाते हुए बोली, राक्षस आने वाला है। रात के अंधेरे में उसकी कार काले घने जंगल के भीतर जाने लगी।